नमस्कार, राहगीरी के वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको नजर आ रहे हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय पंडित सुमन घोष जी। पंडित जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के साधक हैं, जबरदस्त कलाकार हैं और एक परिचय आपका ये भी है कि आप महान कलाकार पंडित जसराज जी के सीनियर डिसाइपल यानी वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शक श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। तो पंडित जी, हम लोग का सौभाग्य रहा कि जसराज जी का आशीर्वाद हमको भी मिला और मुझे तो लगता है कि रागगिरी जिस तरह से हमारी 6-7 साल से हम लगातार कर रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों से हमारी बातचीत होती है, इन सब में कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जसराज जी, जैसे उनका आशीर्वाद मुझे दिखाई देता है, लगता है कि हाँ उनका आशीर्वाद है। तो इस इंटरव्यू की एक जो रवायत रही है, एक परंपरा रही है कि हम सबसे पहले अपने मेहमान से ये विनम्र गुजारिश करते हैं कि वो कोई भजन सुनाए, कोई भक्ति गीत सुनाए और फिर हम बातचीत का परंपरागत सिलसिला शुरू करें। तो आपसे भी विनम्र गुजारिश है कि कोई भक्ति रचना से इस इंटरव्यू की शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं एक भजन आपके लिए पेश करता हूं। जात कमल नयन कमल नयन निस दिन रहता उदास निस दिन रहता उदास दर्शन के प्यासे देखो जात कमल नयन को निस दिन रहता उदास निस दिन रहता उदास निस दिन रहता उदास केसर तिलक मोतिन की मारा केसर तिलक मोतिन की मारा वृंदावन के वासे वृंदावन के वासे नेहल गाए त्याग गत्रिण सन नेहल गाए त्याग गत्रिण सन डार गयो कल फासे डार गयो कल फासे लखिया दर्शन के मन की को जा
अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल तो मैं पंडित जी आपसे यही जानना चाहूंगा कि जब आज की तारीख में जब हम इंटरनेट के जमाने में हैं और लोग परिचय ढूंढने के लिए गूगल बाबा का सहारा लेते हैं और सबसे पहले वहीं पर जाके चेक करते हैं किसी भी फील्ड के आदमी के लिए, जब मैं आपके इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था और आपके गायकी से तो मैं परिचित हूं ही, पहली लाइन जो पढ़ने में आई जो बहुत प्रोमिनेंटली लिखी हुई है कि टॉर्च बेयरर ऑफ पंडित जसराज जी, इस बात को आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं? जी ऐसा है, हमारी परंपरा के बारे में तो फिर से कहने की जरूरत नहीं, आप अच्छे खासे जानते ही हैं कि हम जो भी होते हैं हमारे गुरु के बदौलत होते हैं। मैंने अभी कहीं लिखा था कि कोई भी कलाकार को जो भी ऊंचाई तक पहुंचने का मौका मिले या ना मिले, गुरु के चरण तले बैठे जो जगह हैं वहाँ पे, वो उनके लिए सबसे ऊंचाई वाली जगह होती है। तो हम उसी लिए ज़िंदगी भर उन्हीं के टॉर्च बेरर रहते हैं। और मेरे लिए इस सेंटेंस का एक बहुत ज़बरदस्त स्पेशल एक कुछ सिग्निफिकेंस है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो घटना, मैं उनसे तालीम लेने के लिए जब पहले पहले मिलने लगा, उनके पास आने लगा, तो मैं उनसे पूछता रहता था बड़े संकोच के साथ कि गुरुजी बताइए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं मेरे लिए क्या, आपकी क्या आदेश है, क्या करूँ मैं। कहने का मकसद यही था कि गुरु दक्षिणा के तौर पे हो और भी जो भी संभव है जो भी। और मैं सदा कहता था उनसे, आखिरी समय तक सदा ये कहता रहा कि जो मेरे लिए संभव नहीं भी है वो भी कहिए, मैं कोशिश तो करूँगा। हाँ, सो शुरू में जब ऐसा कहता था, एक दिन मुझसे कहें, शायद वो तीसरा दिन रहा, कि बेटा तुम जब मुझसे पूछ ही रहे हो, रोज़ पूछते हो, ऐसा करना कि मेरी संगीत को, मेरे सोच को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम करो, फैला दो, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है, यही तुम कर सकते हो, यही तुम्हारी सेवा है। और ये मुंबई में बैठे कह रहे थे एक ऐसे समय जब सनसेट का टाइम था, और उस समय वो जहाँ थे पीछे, उनके पीछे खिड़की से मुझे सेटिंग सन नज़र आ रहे थे। तो मुझे वो वक्त मैं कभी भूल नहीं पाया। सो हर दिन हर वक्त वो उनका वो सेंटेंस मेरे लिए इंस्पिरेशन बना रहता, तो परिचय मेरा वही रह गया, रहेगा। और सबसे बड़े शान की बात है कि मैं उनका टॉर्च बेयरर हूँ। बस बहुत बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बड़े कलाकार होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी एक लाइन जो होती है उसमें पूरी जिंदगी का सबक होता है। दादा, मैं आपको जसराज जी से रिवाइंड करके आपके बचपन में ले जाता हूँ और आपको ले जाता हूँ आपके पहले गुरु यानी आपकी माँ के की यादों में। और जैसा आपने जसराज जी के लिए कहा, वैसे ही कि जब आप अपनी माँ को अपने पहले गुरु के तौर पर याद करते हैं, अपना बचपन याद करते हैं, तो क्या कुछ याद आता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये इसके साथ नॉस्टैल्जिया घेरा हुआ है, सब है ना, इमोशंस हैं। माँ, उनका रोल बड़ा मुश्किल रोल था, मैं सब अब समझ पाता हूँ। एक तरफ तो माँ प्यार देना है, लार देना है, सभी देना है, लेकिन दूसरे तरफ गुरु के तौर पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होना है। तो मुझे याद है
सिखाते थे और ऐसा करते थे कि कभी कभी वो अपने ही कुछ हिसाब कर लेते थे कि आज स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट है आज के रूटीन में, मुझे कह देते थे सुबह उठाकर कि आज अगर इतने घंटे रियाज करो तो आज स्कूल नहीं जाने से भी चलेगा। समझे? सो वो खुद हिसाब जोड़ लेते थे कि उसमें, हालांकि मैं पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सीरियस था और माँ पढ़ाती भी थी, तो उस दिन काम वही रहता था कि केवल रियाज अच्छे से करो, बाकी दिन का स्केड्यूल। सो ऐसे ऐसे करते रहते थे। और संगीत के मामले में जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद केवल नहीं, जो प्रोत्साहन दिया है, माँ पिता दोनों ने मेरे लिए ऐसे ऐसे रास्ता सोचा है, मैं आपसे कहूँ तो आप ताज्जुब रह जाएंगे कि शायद ही हमारे देश में पेरेंट्स ऐसा सोचते शायद हैं, अगर सोचें तो कलाकारों का काम और भी आसान हो जाए। कितने बच्चे होते हैं जिनके अंदर म्यूज़िक होता है ना बहुत ज़बरदस्त, लेकिन होता क्या कि फैमिली चाहते हैं कि वो कोई एस्टेब्लिश्ड फील्ड में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, हाँ जो सब सिक्योर्ड सॉर्ट ऑफ फील्ड हैं, ऐसे फील्ड में जाने से कोई हिम्मत नहीं करना चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स ऐसे ही शुरू से सोचते थे कि कोई भी सेफ फील्ड की तरफ नहीं जाना है, म्यूजिक म्यूजिक और म्यूजिक। तो माँ ने ऐसा गुरु का रोल निभाया था। बहुत सारे बंदिशें हैं उनके पास बैठे जब सीखे थे, या तो उनको रियाज करते सुनता था। अभी भी 40-45 सालों के बाद कोई राग शिष्यों को पढ़ाता हूँ, अचानक को एक जैसे छवि जैसा सामने खड़ा हो जाता है। कभी गाए नहीं 45 सालों में या 40-50 सालों में, तो मैं शिष्यों से कहता हूँ कि भैया कुछ याद आया है, थोड़ा सा कोशिश करना चाहता हूँ, याद है कि नहीं देखते हैं, और आ जाता है पूरा का पूरा। यही आशीर्वाद है बस। ऐसे मैं आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं पंडित जी, क्योंकि और आप उस जनरेशन के हैं जहाँ बड़े बड़े धड़ल्ले से ये बात कही जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और संगीत को भी बहुत किसी सिक्योर करियर के ऑप्शन के तौर पर, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, देखा जाता नहीं था। ये लगता था कि यार गाते तो हो अच्छी बात है, काम क्या करते हो ये बताओ। एकदम मुझे कुछ ऐसे किस्से अपने माता पिता जी के बताइए जब आपको ये लगा हो कि उन्होंने जो उनका दृढ़ निश्चय था कि उन्हें अपने बच्चे को गायक बनाना है और सिर्फ गायक बनाना है, क्या कुछ उन्होंने कमिटमेंट दिखाई, क्या कुछ उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, किस तरह से आपको मोटिवेट किया वो बताइए। क्योंकि वो संभवतः आज की जनरेशन में जो पेरेंट्स इस इंटरव्यू को देखेंगे उनके लिए बहुत उपयोगी जानकारी होगी। मैं इस बात पे शुरुआत ही यहां से करना चाहूंगा कि ये जो फील्ड है, इस तरह के जो फील्ड्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में हैं, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहने का मतलब यही है कि कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये फलाने डिग्री हो तो ऐसे ऐसे जॉब इंतज़ार कर रहा है आपके लिए, कुछ ऐसा नहीं है। सो नेचुरली पेरेंट्स डरते हैं, सोचते हैं कि क्यों हमारे बच्चे को इसमें डालना है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे दो बड़े ओकेशंस में, एक बार मेरे लिए एक जॉब इंतज़ार कर रहा था, बस हाँ ही कहना था, और बहुत अच्छा जॉब, बहुत बड़े ग्रुप में, इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक कंपनी में नौकरी, तो कोई भी छोड़े ना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वाकई आप चाहते हो ये? मैंने कहा मैं वाकई नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हम भी नहीं चाहते हैं। समझे? ये एक बार रहा। दूसरे बार मैं संगीत से जुड़ा हुआ एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक काम में शामिल था, कभी काफ़ी कम उम्र की बात है, तो उस समय उनको खुशी नहीं थी कि मैं, संगीत का ही काम था लेकिन अपना संगीत नहीं था, वो खुद जो रियाज किए हैं, तालीम लिए रहे हैं, उन चीज़ों का जो है वो नहीं बन पाए, तो उससे ना खुश थे वो। फिर बाद में मेरे
गुरु जी जिनका नाम आपने लिया संगीत मातन पंडित जसराज जी ने, एक दिन मुझे केवल सुबह मुंबई में बैठे तालीम चल रहा था, एक शिविर था वो 7-6 दिनों के शिविर का आखिरी दिन उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा चल रहा है, 2 दिन और एक्सटेंड करते हैं। तो मैं छुट्टी लेकर आया था, छुट्टी समाप्त होने वाला था, वापस जाने वाला था। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है कि जाना तो पड़ेगा। बोले नहीं कोई बात नहीं, अभी नहा धो के खाना पीना करके जाओ, जाके छुट्टी बढ़ा लो, यहाँ पे मुंबई में भी ऑफिस था उनका बहुत बड़ा, और नहीं हो तो रिज़ाइन करके आ जाओ। तो ऐसा मुझे साथ मिला है इन लोगों का, अपने गुरु का, पेरेंट्स का, कि उन लोगों ने मेरे मन में ये बिठा दिया कि नहीं करना तो यही है। तो दादा हम आपके इस इंटरव्यू में आपके अगले गुरुओं की तरफ पढ़ें, उनके बारे में थोड़ा सा जानें, उससे पहले एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि कोई राग आप हमें सुनाइए जिससे इस इंटरव्यू में बीच बीच में संगीत का हिस्सा भी साथ साथ चलता रहे। जरूर, अब अभी आपको सुनाते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। Narayana,
साथ इस बातचीत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कल आपसे फिर एक बार मिलेंगे ठीक रात 10 बजे, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही संगीत यानी शास्त्रीय संगीत के कुछ और रंग पंडित जी हमें दिखाएंगे। तो कल हमसे जरूर जुड़िएगा रात 10 बजे।